कौड़ा है मैं आटे जो और का कराम है कौड़ा छोटो है ना के कुकर वा साथियों भाई ये पीछे हो आज एक ग्राम पीछे और ये खड़े रहेंगे ना टॉप से निकाल पीछे सारे खड़े हो जाएंगे फिर तो दूसरी तरफ आ जाओ नीति है लाचार है और ना ही कहीं नियत नजर आती है एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है दूसरी तरफ दशक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है एक तरफ भाई टेबल से आगे रहो भैया नए भारत के संस्कार है अरे भाई दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है एक तरफ भाई हेलो चौकीदार है और दूसरी तरफ लाल नारों की भरमार है सब खड़े हैं अपनी चढ़ो अपनी चढ़ो वैभवशाली होगा भाई चलो हेलो ओ भाई इधर से जाओ पीछे से आगे से नहीं सारे खड़े हो जाएंगे ना भाई साहब यही कैमरा चल रहा है अपनी साधनों और संसाधनों की समृद्धि ज्ञान और विज्ञान की समृद्धि संस्कृति और विचार की समृद्धि हमारे आचार और व्यवहार की तो सम्मान श्रम का सम्मान काम का सम्मान बेटियों का सम्मान हर वर्ग का सम्मान देश के मान का अभिमान का इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है लेकिन पहली बार बाबूजी ऐसी सरकार देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती भैया जमीन हो आसमान हो या फिर अंतरिक्ष सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आप पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को 75,000 करोड़ के किसी निवासी मदद का काम भी इसी चौकीदार ने किया देश के लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख
इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जनधन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा, ऐसा कहते थे कि देश तुम्हारे खाते में पैसे ना देखे, अरे तो खाता नहीं खुलवा सकता है। सरकार ने ही दिया है, देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों का पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण लेकर युवा स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार एनडीए ने ही किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है खबर आपसे सुनी होगी, आपका सीना चौड़ा हो गया से अछूत रहा। सबका साथ सबका विकास की हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निर्माण होगा। 11 अप्रैल को आपका वोटिंग 11 अप्रैल को है ना, 11 अप्रैल को है ना, उसमें जाएगा तो वो ईवीएम पर कमल के निशान पर होंगे जमाने से लेकर के जाएगा। मेरे तुम्हारे तो बराबर जानते हैं, क्या बेटियों में इंसान चलता है क्या, इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम फेंक नहीं थे। ऐसी महा मिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। मेरठ और पश्चिमी यूपी तो इनके कारनामों को भुगत चुका है।
योगी जी की सरकार आई है। इसको और मजबूत करना है।